हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एपिस हमारे डे 9 में बनाने जा रहे हैं स्विच बोर्ड का जो क्राफ्ट होता है वो। तो वहाँ स्पेशल मैं कुछ बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का जो चार्ट पेपर है वो लिया और मैंने ट्री का शेप बना लिया और उसको कर लिया है नीटली कट। अब क्या करना है, जो शीट होती है मैंने उसको 2-3 बार फोल्ड कर लिया और उस पर एक लीफ बनाई है और उस लीफ को भी कट कर दिया। 2-3 बार फोल्ड करने से क्या होता है कि मतलब एक बार हम कट करेंगे तो उसमें से 4-5 जो है लीफ निकल जाएगी, तो उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने बहुत सारी बना ली है। उसके बाद हम बनाएंगे फ्लावर। तो जो एक 10x10 का जो पेपर रहता है ना, उसको 4 बार फोल्ड किया है और कट कर दिया। और उसके बाद इसको फिर से मैं फोल्ड करूँगी जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ वैसे, और उसके बाद इसको जो है राउंड शेप में कट कर लूँगी। ओपन करने पे हम देखेंगे कि ये एक फ्लावर का शेप आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा था तो मैंने 2 टाइप के फ्लावर बनाए, पहला जो सा राउंड शेप वाला वो, और सेकेंड जो है थोड़ा सा डिज़ाइन इसकी लीफ काइंड ऑफ दिए मैंने, मतलब थोड़ा अलग सा। तो ये जो ऊपर वाली जो डिज़ाइन है उस पे नीचे वाली डिज़ाइन ऐसा रखेंगे तो ये इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने 4-5 फूल फ्लावर्स जो है बना लिए थे, थोड़ा सा उसमें डेकोरेट किया और उसके बाद सारी जो फ्लावर है उसको कंप्लीट कर लिया था। लीफ में भी मैंने किया उसकी आउटलाइनिंग। उसके बाद जो अब हमने जो ब्लैक वाले चार्ट पेपर से बेस बना के रखा था ना, बस उस बेस को लिया है और उस पर ये फ्लावर और लीफ मैंने एक एक करके पेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत सुंदर सा ट्री बनकर रेडी हो चुका है। स्विच बोर्ड को डेकोरेट करने का ये बहुत सिंपल और इजी और ब्यूटीफुल सा आइडिया है। तो आप ये अपने घरों में ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही अमेजिंग क्राफ्ट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ऑल्सो मेरे चैनल पर अभी हैप्पी समर की सीरीज चल रही है, तो उसमें भी वीडियो देखते रहिए। बहुत सारे जो है किड्स स्पेशल और हैप्पी समर से रिलेटेड।